गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मैं हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ. तो हमें भी बोल दो यार. ही ही अपने घर वालों को नहीं बोल रही है, सब्सक्राइबर्स पहले बोल रही है. तो सुबह के 6 बज चुके हैं और ये अब बिग बॉस सुबह के 6 बज चुके हैं और ये अब उठे हैं और अब हम जा रहे हैं एक और ट्रिप पे, जिसका जिसके 3 वर्ड होते हैं जी ओ ए. नहीं जा रहे, जी ए ओ. गांव जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं. गोवा नहीं जा रहे यार, हम गांव जा रहे हैं. बच्चों के वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं और हम जा रहे हैं मम्मी को लेने. मेरी मम्मी को लेने जा रहे हैं, बहुत दिन हो गए गांव में है वो. और सर्दी बढ़ गई है तो वहाँ सर्दी बढ़ गई है, वो अकेली आ नहीं पा रही, बुजुर्ग है. हमें लेके हम लेके आएंगे इस बहाने, हम 2-3 दिन घूम भी लेंगे. हमें तो घूमने का बहाना चाहिए बस. तो चलो रेडी हो जाते हैं. हाँ. फिर मिलते हैं. तो सब ब्रश करने जा रहे हूँ. अरे यार ये तो टूथपेस्ट खत्म होने वाला है. एक काम करते पापा के पास चलते. पापा ये देखो टूथपेस्ट खत्म हो गया. ये खत्म हो रहा है? हाँ, अभी इसमें बहुत है. कुछ भी अभी इसमें बड़ी. ये देख आ गया ना, ये देख. अभी तो मैं और भी निकाल दूंगा, 4-5 दिन चलेंगे बेटा. मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास का आदमी जिसकी जान निकाल के मानते हैं. मुझे भी दो. ये भी खुद कहने लग जाता है जब मालिक छोड़ दो मुझे, अब मेरे में कुछ नहीं बचा. मुझे भी दो. ये देख मैं ऐसे निकालूंगा इसका, अभी नहीं रोड रोलर के नीचे भी ला दूंगा इसको. ये देख अभी देख रही हो क्या? वेलकम. तो अगेन पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए बच्चे मैं हूँ. आ जाओ बेटा, पापा दादाजी का आशीर्वाद ले लो. और मंदिर में पूजा कर ली मैंने, और मीनाक्षी ने अपनी एज यूजुअल सारी तैयारियाँ कर चुकी है. बस लास्ट मोमेंट पे बस अपने चेक कर रही है कुछ रह तो नहीं गया. वो रह जाता है क्योंकि ट्रिप में बाद में याद आता है. ठीक है ना, चलें तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी यात्रा को. तो बच्चा पार्टी बस का वैसे गेट बंद नहीं हुआ है. कितने बच्चे बैठे हैं पीछे? तो एक गेट बंद नहीं हुआ बच्चों. कानू स्कूल जा रहा है और हम निकल गए. वैन ड्राइवर आए आराम से. बाय कानू. कानू बाय. बाय बच्चों. बाय जयश्री. उत्तरी ये क्या हो रहा है यार? घूम रहा है भरत और वो वाला. घूमते घूमते जाना भाई स्कूल. चलो टोपी पहन ले हीरो. बहुत जरूरी चीज रह गई थी, इसके कार्ड्स. अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है सूरज. वाह आज ठंड कम है दिल्ली में ना, और हम चले हैं बताओ ठंड कम हो गई है. हाँ 2 दिन से ठंड बहुत थी दोस्तों. ये पंजाबी वाक्य यहाँ पूरा पुल तोड़ लिया. पहले बना देते हैं फिर कहते हैं ओ गलत बन गया, दोबारा तोड़ देते हैं, फिर बना देते हैं, फिर तोड़ देते हैं. इसी से तो थोड़ा पुल देखो कैसे तोड़ा हुआ है, पूरा तोड़ दिया पुल. जाम लगता है बहुत जबरदस्त. है ना, यहाँ पर भी लड़ रहे हो? नहीं कर सकते थे क्या पैदा? क्या इसकी जगह बैन कर देते एक मेरी? क्या करी बहन? करी बहन कर देते इसकी जगह. पागल है क्या भाई? ये कैसे बच्चे हैं यार ये? मैं हूँ पागल हो गई है. ये लड़ते हैं दोनों. किलोमीटर चलो उतरो, मैं तुम्हें बस में ले जाऊंगा. हाँ यहाँ साइड में रोक दो बस खड़ी. बस में जाएंगे दर्श. दर्श चलो उतरो बेटा. पापा तो ऑफिस जा रहे हैं. कितनी गंदी आवाज है. रोने में भी कोई मजा नहीं. जाम तो स्टार्ट हो गया अभी से. अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, मैं तो पीता भी नहीं हूँ. मैंने क्यों बोल दिया ऐसे जाम जाम? अबे तुम्हारी ट्रैफिक जाम. अच्छा सुनो, हम जब टाइम पे सुबह जल्दी निकलते थे तब नहीं मिलता था हमें. ना यार फंस गए हम तो. पानी भरा पड़ा भाई आज तो. क्या हो गया? पहली बार पानी देखा इसमें मैंने, इस डैम में. अनजाने व्यक्ति के इशारे पर गाड़ी ना रोके. हां यहां पे जल्दी पहुंच गए. यहां पे का उल्टी.
है ओल्ड राव जिसमें हम अभी खाएंगे पराठा। और सामने देखिए पहाड़, ब्यूटीफुल पहाड़ बहुत सुंदर सुंदर से। अगर हम इस पार्क में चले जाते ना तो बहुत सुंदर सुंदर। अभी यहाँ पे भी गेम खेलने आए हो तुम लोग? ओ भाई ओल्ड राव पे भी गेम खेलने आए हो क्या? ओल्ड राव अंकल बहुत गुस्सा करते हैं यार। ओल्ड राव अंकल बहुत गुस्सा करते हैं, नहीं गेम गेम करने छुप गए हम। कुछ देखते हैं, कुछ खिला देते हैं यहाँ पे। कहाँ पर? ओल्ड राव। ओल्ड राव पे जहाँ ये लड़की तो दिखती है वही फोन देता है। हमने इसको फोन इसलिए दिया था ताकि ये वाली शॉप ना देख पाए और इसने कुछ और शॉप देख ली। ये लड़की, इस लड़के से हमेशा बच के रहना पड़ता है। सुनो आप क्या करने आए हो यहाँ पर? कुछ और देख रहा हूँ। आप यहाँ पर आके फोन बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करते हो? मैंने थोड़ा ये पकड़ रहा है, वो पकड़ता है, एक एक करके। चल मस्ती स्टार्ट हो गई है इनकी। खाना खाने के बाद एनर्जी भी आ गई है बच्चों में। मैडम आपके बेटा ये आपका 5 हफ्ते हो गए, पैसे देना। दर्श और अब देखते हैं हम दोनों क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों ये कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं क्योंकि मैं घर से बना कर लाई थी। वो भाग के आ रहा है, गिर जाएगा, लग जाएगा। हमने ओल्ड राव में नहीं पी चाय। चल दिए ओल्ड राव से फिर से अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल क्या होता है मम्मी? डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना है। और अब हम नॉन स्टॉप चलेंगे और सीधा पहुंचेंगे वही। ओ देखो क्या करने जा रहे हो तुम लोग? रमेश चाट भंडार के स्पेशल हरियाला बनाओ नादान बनाओ बादल पे। सॉरी तो हम पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनट्स में और उन्हें पता ही नहीं। हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया था बीच में। हम 2 बजे पहुंचने वाले थे पर 5 बज गए। हमने काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ बीच में की जिसकी वजह से हम लेट हो गए। पहुंचने वाले हैं। अब आगे तो गाड़ी ने धोखा दे दिया सबसे बड़ी बात। तो कोई बात नहीं, मौसम की सब जो होती है ना स्क्रॉब्स को हाँ करा जा रहा है। और मछली पालन भी है यहाँ पे, मछली भी पाली जाती है इन जगह। गाइस हम पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंचे? बालाजी के मंदिर। पापा अब हम पहुंच चुके हैं बालाजी महाराज के मंदिर। दिखाओ मंदिर से, दिखाओ मुझे क्यों दिखा रही है? लाओ मैं दिखाऊं मंदिर। चलो ये रहा बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर जहाँ हमारे पूर्वजों की मान्यता है। कहाँ गए? थोड़ी सी। आपको इतना नहीं पता?
यहाँ पे उतार दिए। कोई बात नहीं, उठा लो। बलबत्ती विद्यालय होई हरो करे शिकार, जहां पाले गए बिन सागर जा कभी सती होई पूजा का, राम दूत अतिरथ पति बाबा अंजनी पुत्र भगवान चित नामा, महावीर विक्रम मदन नीक मत निवार समुद के संधि कंजन नरक विराज समय सका सब। जय श्री राम बाबा। एक 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 दर्शी यहाँ आके खड़े हो जाओ आप, भाग। चलो तो सही, पापा हमसे पहले की। ये चमड़े की बेल्ट है इसलिए मैंने उतार दी है। आप तो समझदार हो ना, तो लेते ही क्यों लगा वाली कौन। पहले भागना नहीं है, सिर्फ चल चल के पहुंचना है। भागना नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है चलना। अरे मीहू स्पीड में तो चल ही सकते हो मीहू। चलो भाई, ये जो हाई सिक्योरिटी है बॉर्डर पे तुमने लगा रखी है। गेट तो बंद कर दिया तो। देख रही है नहीं नहीं मामी नहीं पता ही नहीं था। ये मच्छर अच्छा खेलता है। मैं कह रहा हूँ चूल्हे के पास बैठे हैं, यहाँ पे ठंड है नहीं राजस्थान में ना। हाँ, नहीं है। और चूल्हे के पास जो बैठने में जो आनंद है ना, वो शायद ही किसी हीटर वीटर में कहीं हो आनंद की, मतलब एकदम मजा आ रहा है यहाँ पे। मीहू तुझे कैसा लग रहा है बेटा? इसका बहुत ही शॉर्ट में इसने जवाब दिया कि अच्छा लग रहा है, वो उसको डेफिनेशन। तुम बताओ मीना जी, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ के? अच्छा ही लग रहा है मुझे तो। वर्णन कीजिए, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए अपने इन बातों का। लाइट चली गई यार। की रोटी और कड़ी, पालक की कड़ी, कड़ी मेहनत से बना रही हैं जो कि हमारी है मामी जी, और हम कड़ी मेहनत से खाने की कोशिश करेंगे। और कड़ी मेहनत से खाने की कोशिश करेंगे, अच्छा रहेगा, देखते हैं स्वाद भी, देखते हैं कैसा होता है। हम मास्टर शेफ की तरह से टेस्ट भी जज करोगे, जज करेंगे कैसा बनाया है। मम्मी हाँ भैया, गिर मत जाना पहले के जैसे। नहीं नहीं सुनो, दही भी है ले लो, ठंड तो है नहीं यहाँ पे। जाओ राहुल, तेरे दस बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, आ भी नहीं पा रहा। अमन तुझे जगह नहीं मिली? टोटा बैठ रहा है, ले ले लो। मैं नहीं नहीं झटनी लाना मैंने जी। बस हमने खाना खा लिया है, और ये देखिए काम ही जिंदगी का बाबू। अब बात देख सही साफ तो आ रही है, खतरों के खिलाड़ी हुई। तो भैया भैया आपको ये ब्लॉग खत्म हुआ, हम थक गए हैं और मैं ये ब्लॉग को एड करने जा रहा हूँ।
तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर नहीं पसंद आया तो भी लाइक कीजिए, हाँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और एक्टिंग के 50 रुपये निकाल।